गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर द प्रेपरेशंस गोइंग? कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून कौस्तव, अर्चना, हाय चेतन, हेलो. सो गुड टू सी यू ऑल फॉर दिस स्पेशल क्लास गाइस. सो इन टुडे स्पेशल क्लास जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है, आई एम गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग, गुड आफ्टरनून संतोषी. और आई होप कि आप सब लोग की प्रिपरेशंस जो है वो अच्छी चल रही हैं एंड हेल्थ वाइज एंड एवरीथिंग इज़ ग्रेट. सो इन टुडेज टॉपिक व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स हम पढ़ने वाले हैं. बिफोर स्टार्टिंग विद द सेशन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट ये जो अभी आप देख रहे हो ये एक अनअकैडमी प्लस की स्पेशल क्लास है. ऐसे स्पेशल क्लासेस बहुत सारे एवरी डे ऑन अ डेली बेसिस आर क्रिएटेड बाय एन नंबर ऑफ एजुकेटर्स ऑन द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म. तो आप क्या कर सकते हैं, एवरी डे दोपहर को 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, दैट इज 12 PM टू 1:30 PM के बीच में, यू कैन गो एंड क्लिक ऑन द प्लस टैब ऑफ द अनअकैडमी वेबसाइट और यू कैन गो ऑन योर लर्निंग ऐप और उसमें जो प्लस टैब है आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये सारे कोर्सेज में एनरोलमेंट का ऑप्शन आ जाएगा. तो लाइक दैट यू कैन एनरोल इन दीज कोर्सेज विच आर स्पेशली क्यूरेटेड टू हेल्प यू इन योर एग्जाम प्रिपरेशन, टेस्ट प्रिपरेशन एक्सेट्रा. अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी फीस मतलब 1 रुपी क्यों रखी हुई है. सो जस्ट टू मेक श्योर दैट स्पैमिंग इज अवॉइडेड एंड टू मेक श्योर कि जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं सिर्फ उनको हम एनकरेज करना चाहते हैं कि वो इन क्लास के बेनिफिट्स ले सकें, इसीलिए इसके चार्जेस जो होते हैं 1 रुपी होते हैं. ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून चेतन. तो हम शुरू करते हैं टू स्टडी डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेज, दैट इज एलएस स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट तो ये बेहद रहेगा. उसके अलावा दिस विल ऑल्सो बी एस्पिरेंट्स, कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कोई रिसर्च फेलोशिप की एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या पीएचडी एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी रेलेवेंट होने वाला है. ओके, सो आई एम योर एजुकेटर माया सिंह, आप जानते ही हैं. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. बिफोर वी गो इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, एक छोटी सी टॉपिक हम अगर अंडरस्टैंड कर लें, दैट इज़ अ बेसिक अबाउट न्यूक्लिक एसिड, कि न्यूक्लिक एसिड्स बेसिकली हैं क्या, उनका उनकी डिस्कवरी कब हुई, क्या उनका सिस्टम है, क्या उनकी स्ट्रक्चर है, इन अ वेरी रफ मैनर वील अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट एंड देन वी विल गो टू द रिपेयर मैकेनिज्म्स. क्योंकि रिपेयर मैकेनिज्म्स में ऐसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं, देर आर मेनी टर्मिनोलॉजीज, देर आर मेनी नेम्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, दैट इज नाइट्रोजनस बेसिस, देर आर नेम्स ऑफ वेरियस काइंड ऑफ प्रोसीजर्स एंड एंजाइम्स. Until unless you don't know the basic part, आपको वो समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी. सो बिफोर वी स्टार्ट आई वुड जस्ट वॉन्ट फ्रॉम यू गाइज अ लिटिल चेक कि आपको सब कुछ सही दिख रहा है. आर यू एबल टू हियर मी? यू आर एबल टू सी मी? यू आर एबल टू सी द कॉन्टेंट विच इज देयर ऑन द पेज? इज एवरीथिंग गुड सो फार? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं. यस, अच्छा ये वाई क्या येस का शॉर्ट फॉर्म है क्या? ओके, ठीक है, ग्रेट. चलो, सो न्यूक्लिक एसिड्स क्या हैं सबसे पहले हम वो अंडरस्टैंड करेंगे इन दिस क्लास. सो न्यूक्लिक एसिड्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिस्चर. ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड एज फार एज डीएनए एंड आरएनए की डिस्कवरी इज कंसर्न. फ्रेडरिक मिस्चर इज द वन ऑफ द एस्टीम्ड नेम्स विच कम्स इन द साइंटिफिक कम्युनिटी. तो उन्होंने न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले डिस्कवर किया था फ्रॉम द न्यूक्लियर ऑफ द पस सेल. पस सेल्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे आपको कोई बहुत ज़्यादा ना बड़ा सा पिंपल आ जाता है चेहरे पर या ऐसे कहीं पर चोट लग जाती है, जो चोट जिसे हम कहते हैं कि पक गई है चोट, या यू नो देर इज सम काइंड ऑफ अ लिक्विड डिपोजिशन इन साइड दैट पर्टिकुलर वुंड. सो दैट लिक्विडी पार्ट विच इज स्लाइट येलोइश वाइटिश और राधा क्रीमिश इन कलर इज नोन एज पस. तो इन्होंने सर्जिकल बैंडेजेस जो थे, जो बैंडेजेस सर्जरी में यूज होते हैं बेसिकली, वो बैंडेज को निकाला और उससे ये प्लस पस सेल्स को, जिसके अंदर WBCs थे, ल्यूकोसाइट्स थे,
उसकी स्टडी फ्रेडरिक मिस्टर ने की थी और इसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लीन, न्यूक्लिक नहीं. न्यूक्लिक वॉज लेटर शोन टू बी अ मिक्सचर ऑफ बेसिक प्रोटीन एंड फॉस्फोरस कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड एंड वॉज नेम्ड एज न्यूक्लिक एसिड. तो ये जो न्यूक्लीन फ्रेडरिक मिस्टर ने डिस्कवर किया था, उसका जब और एनालिसिस किया बाकी साइंटिस्ट ने एक्सेट्रा, तो उनको ये पता चला दैट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ बेसिक प्रोटीन एंड इट हैज़ अ फॉस्फेट ग्रुप एंड देयर बाय दे नेम्ड इट न्यूक्लिक एसिड. तो कोई भी न्यूक्लिक एसिड, इन पर्टिकुलर डीएनए जो होता है, डीएनए के पास हमेशा देयर इज एन अटैचमेंट ऑफ अ बेसिक प्रोटीन विच इज अटैच टू द डीएनए. कैन एनी वन ऑफ यू जस्ट नेम दैट पर्टिकुलर प्रोटीन? वो कौन सा प्रोटीन है जो डीएनए के साथ अटैच रहता है? इन मेनी ऑफ माई यू नो डेली लेक्चर सीरीज ऑल्सो आई हैव नेम्ड दिस प्रोटीन मेनी अ टाइम्स. वेरी गुड चेतन, हिस्टोन प्रोटीन्स. तो हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो ऑल द टाइम, दीज आर द बेसिक प्रोटीन जो डीएनए के साथ अटैच्ड होते हैं. तो जब उन्होंने वो पर्टिकुलर पस्सर को जब इसमें देखा, माइक्रोस्कोप में देखा, तो उन्होंने ये पर्टिकुलर प्रोटीन को पाया. और फिर फॉस्फेट कंटेनिंग ग्रुप्स भी थे उसके अंदर. तो जो भी न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, जैसे डीएनए होते हैं, उसके अंदर हमेशा एक फॉस्फेट ग्रुप होता है. देन देर इज अ शुगर, दैट इज अ पेंटोस शुगर, एंड देन देर इज अ नाइट्रोजनस बेस. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. वी कैन हैव राइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट इज कॉल्ड एज आरएनए, और वी कैन हैव डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट इज कॉल्ड एज डीएनए. तो यहाँ पे हम डीएनए पे फोकस करेंगे, ठीक है. न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? The monomeric units of nucleic acids are called as nucleotides and they are hence called as polynucleotides. जैसे for example amino acids or proteins अगर हम study कर रहे हैं, या अगर आपने lectures सुने हैं, अगर आप खुद पढ़ रहे हो, तो उसमें क्या होता है, amino acids के छोटे छोटे molecules होते हैं, blocks होते हैं, they join to one another and then the long chain जो बनती है, उस chain को finally हम protein बताते हैं, correct? ऐसा ही होता है ना. जो लिंकेज होता है दो अमीनो एसिड्स के बीच में, वो कौन सा लिंकेज होता है? कैन एनीवन नेम दैट लिंकेज? किसी को कुछ याद है अमीनो एसिड्स के बीच में व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लिंकेज? वेरी वेरी गुड, पेप्टाइड बॉन्ड. वेरी गुड चेतन, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म. वेरी गुड सचिन, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होती है, राइट? तो वैसे ही इन द केस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स व्हाट हैपेंस कि एक जो सिंगुलर उसका जो कॉम्पोनेंट है उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड आर जॉइंड विथ वन अनदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन विच इज नोन एज पॉली न्यूक्लियोटाइड. एंड वो जॉइन कैसे होते हैं? तो यहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. फॉस्फोडाइएस्टर, जिसको शॉर्ट फॉर्म मैं यूज करती हूँ एज अ PhD, दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. सो न्यूक्लियोटाइड्स जो है सिंगल ब्लॉक्स, उसको बाइंड करेगा या उसको बेसिकली एक चेन फॉर्मेशन में बाइंड करेगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की हेल्प से, एंड देन फाइनली द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स विल बी फॉर्म्ड. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये नाइट्रोजनस बेसिस बेसिकली क्या है. सो दीज नाइट्रोजनस बेसिस आर हेटरोसाइक्लिक, दे आर प्लेनर एंड रिलेटिवली वाटर इनसोल्यूबल अरोमैटिक मॉलिक्यूल्स. मतलब देर आर टू मेजर ग्रुप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस विच आर फाउंड इन दी डीएनए. एक तो होता है प्यूरीन और दूसरा जो ग्रुप होता है वो होता है पिरिमिडीन्स. अब ये दोनों प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स के जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि वो हेटरोसाइक्लिक होते हैं और अरोमैटिक होते हैं. अरोमैटिक का मतलब क्या है कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो बेंजीन रिंग की तरह सिमिलर होता है, लाइक इट हैज अ साइक्लिकल स्ट्रक्चर. सो जो प्यूरीन्स होते हैं जनरली दे हैव अ डुअल साइक्लिक, दे हैव अ टू साइक्लिकल स्ट्रक्चर और टू रिंग्स होते हैं. जो पिरिमिडीन्स होते हैं दे हैव अ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर. ओके, एंड दीज नाइट्रोजनस बेसिस आर द वंस विच आर द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ अ डीएनए. ये नाइट्रोजनस बेसिस के साथ कौन कौन से ग्रुप्स अटैच होते हैं? सो एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, अलॉन्ग विथ इट अ पेंटोज शुगर गेट्स अटैच्ड, पेंटोज शुगर. और ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनता है एंड में वो होता है डीएनए. ओके, सो या वेरी गुड संतोषी, टी इज रिप्लेस्ड बाय यू इन दी आरएनए. आई एम सो हैप्पी गाइस कि आप लोग को बेसिक्स जो मैंने पढ़ाया था काफी टाइम पहले हमने किया था ना न्यूक्लिक एसिड्स, आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि यू गाइस रिमेंबर द बेसिक्स स्टिल.
थैंक यू सो मच यार, इट मेक्स मी वेरी हैप्पी. सो पेंटो शुगर की जहाँ तक बात है, पेंटो शुगर कैसा होगा? तो डीएनए के अंदर, इन द केस ऑफ डीएनए, एज यू कैन सी द नेम, इट इज़ डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. तो यहाँ पे जो पेंटो शुगर होता है उसके सेकेंड कार्बन के अंदर ऑक्सीजन ग्रुप नहीं होता है. देर इज नो ऑक्सीजन एट द सेकेंड कार्बन, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज डी ऑक्सी, दैट इज विदाउट ऑक्सीजन. ओके, दैट्स वाई द नेम इज डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. इन द केस ऑफ आर एन ए वॉट विल हैपन, पेंटो शुगर विल बी द सेम, सेम शुगर होता है, बस उसके सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन रहता है. सो इट इज कॉल्ड एज राइबोन्यूक्लिक एसिड. ठीक है, सो नाउ इन द केस ऑफ डीएनए, इन द केस ऑफ डीएनए प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स आर द टू मेजर ग्रुप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस. अब देखते हैं, आप लोग को सबसे ज्यादा ये याद रखना है कि प्यूरिन्स में कौन कौन से बेसिस आते हैं और पिरिमिडिन्स में कौन कौन से बेसिस आते हैं. ठीक है, तो प्यूरिन्स में सबसे पहले जो है वो है एडिनाइन, एंड नंबर टू इज गुआनाइन, दैट इज एब्रीवेटेड सिंगल लेटर ए, सिंगल लेटर जी. सो ए एंड जी आर द ग्रुप ऑफ पिरिमिडीन नाइट्रोजनस बेसिस इन द डीएनए, वेयर एज इन द केस ऑफ प्यूरिन्स नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ डीएनए, वेयर एज इन द केस ऑफ पिरिमिडीन्स जो दो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो हैं थाइमीन और साइटोसाइन, जिनका सिंगल लेटर वर्ड है साइटोसाइन इज सी एंड थाइमीन इज टी. मैंने यहाँ जरूर कहीं लिखा होगा, या हियर. ओके, सो ए एन जी आर प्यूरिन्स, टी एन सी आर पिरिमिडिन्स. अब इन दिस टेबल देर आर सर्टन साइंटिफिक नेम्स गिवन. सो एडिनाइन का जो साइंटिफिक नेम है वो है 6-amino-purine. दैट मीन्स वॉट, सिंपल है, प्यूरिन स्ट्रक्चर होगी रिंग की, वो रिंग का जो स्ट्रक्चर है, मतलब ये जो रिंग का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है मैंने, अगर उसको मैं नेम करूँगी 1, 2, 3, 4 लाइक दैट, तो उसका जो सिक्स कार्बन होगा उसके ऊपर अमाइनो ग्रुप अटैच्ड होगा. दैट्स इट. देन गुआनाइन का जो साइंटिफिक नेम है, इट इज कॉल्ड अ 6-oxy-2-amino-purine. दैट मीन्स जो प्यूरिन की रिंग है उसके सिक्स कार्बन पे ऑक्सीजन ग्रुप होगा, ओटो ग्रुप होगा, सेकेंड कार्बन पे अमाइनो ग्रुप होगा. ओके, एडिनाइन हैज एन अमोनियम ग्रुप, दैट इज NH2 ग्रुप एट द कार्बन 6 नंबर पोजिशन ऑफ द रिंग, वेर एज गुआनाइन हैज NH2 ग्रुप एट C2 एंड कार्बोनिल ग्रुप एट, कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, कार्बोनिल इज COO ग्रुप, COO माइनस ग्रुप इज ओन एस कार्बोनिल ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप जिसको कहते हैं. तो ये कुछ ज़्यादा ही इंट्रिकसीज हैं या डिटेल्स हैं, ये वाले डिटेल्स अगर आपको याद नहीं भी आप रख सक रहे हैं, कि जैसे एडिनाइन में 6 कार्बन पोजिशन पे ये है, गुआनाइन में ये है, इफ़ इन केस यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर दीज थिंग्स, नो वरीज. ठीक है, कोई इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस वॉट आई वुड सजेस्ट यू गाइज दैट ट्राई टू मेमोराइज द साइंटिफिक नेम्स, बिकॉज मेनी टाइम्स इन द क्वेश्चन वॉट दे डू इज दे विल नॉट गिव यू एडिनाइन. वो कन्फ्यूज करने के लिए क्या दे देंगे कि 6-amino-purine इज इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन, और या रादर 6-oxy-2-amino-purine इज इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन, उसका ये सीक्वेंस है, अब आप आगे सॉल्व करो. तो उस टाइम पे क्या होगा, आप कन्फ्यूज हो जाओगे अगर आपको साइंटिफिक नेम पता नहीं होगा. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, रिमेंबर द साइंटिफिक नेम्स. नाउ कमिंग टू पिरिमिडिन्स, पिरिमिडिन्स में सबसे पहले आता है टी, दैट इज थाइमीन. थाइमीन का जो साइंटिफिक नेम है वो है 5-methyl-2,4-dioxypyrimidine. मतलब पिरिमिडीन का जो रिंग स्ट्रक्चर है उसके फिफ्थ कार्बन पे मिथाइल ग्रुप होगा, और जो सेकेंड और फोर्थ कार्बन है उस पे डी ऑक्सी ग्रुप होगा. सिस्टीन इन अ सिमिलर मैनर इज कॉल्ड एज 2-oxy-4-amino-pyrimidine. तो पिरिमिडीन का जो रिंग स्ट्रक्चर है जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है उसके सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन होगा, फोर्थ कार्बन पे अमाइनो ग्रुप होगा. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इज दैट साइटोसिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरैसिल इन द केस ऑफ आरएनए. मतलब इसी टेबल से आप डीएनए के नाइट्रोजनस बेसिस को भी जान सकते हो और आरएनए के नाइट्रोजनस बेसिस को भी जान सकते हो. आरएनए में जो प्यूरिन्स होंगे वो डीएनए की तरह सेम है, एडिनाइन होगा, गुआनाइन होगा, प्यूरिन्स आर सेम. पिरिमिडीन्स जो है उसमें थाइमीन भी कॉमन है, थाइमीन इज फाउंड इन आरएनए आल्सो, थाइमीन इज फाउंड इन डीएनए आल्सो, दैट इज आल्सो कॉमन, बट द डिफरेंस कम्स इन द केस ऑफ साइटोसाइन, दैट इज सी. आरएनए के केस में सी की जगह यूरैसिल होता है,
जिसको सिंगल लेटर यू बताते हैं, और द साइंटिफिक नेम ऑफ यूरासिल इज 2,4 डाइऑक्सीपिरिमिडीन, दैट इज इट विल हैव अ पिरिमिडीन रिंग स्ट्रक्चर, एंड एट सेकेंड एंड फोर्थ कार्बन इट विल हैव अ डाइऑक्सी ग्रुप अटैच टू इट. ओके, सो दिस इज अ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू गाइज नीड टू कीप इन माइंड. ए जी प्यूरिन, कॉमन इन बोथ डीएनए आरएनए. टी सी पिरिमिडीन, कॉमन इन बोथ डीएनए आरएनए. नो, टी कॉमन इन बोथ डीएनए आरएनए, सी ओनली इन डीएनए, एंड यू इन द केस ऑफ आरएनए. फिक्स दिस इन योर हेड. नाउ वी विल अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर फिनोमिनन, अ पर्टिकुलर रूल रादर, विच इज कॉल्ड एज चार्गव्स रूल. अब ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, कुछ अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि हम रिपेयर पढ़ने आए हैं और हम ये पढ़ रहे हैं, तो आगे का जो रिपेयर है ना वो आपको समझेगा नहीं अगर आपको ये सब पता नहीं होगा. ठीक है, सो चार्गव भाई साहब एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे हमारे, जिन्होंने हमें कुछ रूल्स दिए विथ रिस्पेक्ट टू द डीएनए स्ट्रक्चर. सो इनका जो रूल नंबर वन है, इन्होंने कहा कि इन अ डीएस डीएनए, डीएस का क्या मतलब होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये ऐसा वाला स्नेक वाला स्ट्रक्चर जो होता है ना, जो हम बहुत मजा आता है इसको बनाने में, क्योंकि ये बहुत फटाक से बन जाता है. इट इज़ वेरी इजी टू ड्रॉ इन द इन योर ग्रेजुएशन एग्जाम ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू ड्रॉ. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द डायग्राम्स जो बहुत ईजी बनता है. इट टेक्स हार्डली 4 मिनट्स टू डू विथ नेमिंग. सो ये उसकी बात कर रहे हैं. सो इट सेज दैट इन अ डबल स्टैंडर्ड डी एन ए, गुआनाइन इज ऑलवेज इक्वल टू साइटोसाइन एंड एडिनाइन इज ऑलवेज इक्वल टू थाइमीन. यहाँ पे एक बार हम लोग फिर से आ जाते हैं, यहाँ पे मैं आपको पेयरिंग भी बताऊंगी. लेट मी जस्ट चेंज द कलर सो दैट इट इज मोर विजिबल. सो व्हाट हैपेंस गाइस, जो ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं, जब ये डबल स्ट्रक्चर अपना डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो यहाँ पे जो हम ये लाइंस बनाते हैं ना, सो ये लाइंस बेसिकली क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस के पेयरिंग को बताते हैं, दीज लाइंस. ओके, सो पेयरिंग कैसे होती है पता है, ए होगा अगर दिस वन द फर्स्ट वन, तो यहाँ पे टी होगा, देन इफ यहर इट इज जी, देन यहर इट विल बी सी. सो ऑलवेज ए विल पेयर विद टी एंड जी विल पेयर विद सी. इन द केस ऑफ आर एन ए वॉट विल हैपन, ए विल पेयर विद टी एंड जी विल पेयर विथ यू. दैट इज द ओनली डिफरेंस, राइट. तो वही ये चार्गव्स रूल कहता है कि किसी भी डबल स्टैंडर्ड डी एन ए में द गुआनाइन का क्वांटिटी विल ऑलवेज बी इक्वल टू साइटोसिन एंड एडिनाइन का क्वांटिटी विल ऑलवेज बी इक्वल टू थाइमिन. रूल नंबर टू सेज दैट कॉम्पोजिशन ऑफ डी एन ए वेरीज फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर स्पीशीज. ये दोनों रूल्स इट इन इट सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज समटाइम्स वॉट हैपन्स इज इन द ऑप्शंस या क्वेश्चन वो देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर ऑप्शंस करेक्टली डिनोट चार्गव्स रूल. सो फर्स्ट ऑप्शन में वो दे देंगे जी इक्वल्स टू सी, ए इक्वल्स टू टी, तो वो ऑप्शन आपको करेक्ट मार्क करना है. सेकेंड ऑप्शन में वो दे देंगे कॉम्पोजिशन ऑफ डीएनए वेरीज फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर स्पीशीज, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. थर्ड ऑप्शन में दे विल गिव यू समथिंग एज रैंडम एज लाइक फॉर एग्जाम्पल प्यूरिन्स हैव अ साइंटिफिक नेम ऑफ सो एंड सो, बट वो चार्गव ने थोड़ी ना बताया है, वो चार्गव्स रूल का पार्ट नहीं है, तो वो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दोगे. ये दोनों ऑप्शंस को आप चूज करोगे और आपका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा. ठीक है, हेंस इन अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए व्हाट विल हैपन, कॉन्सेंट्रेशन, ये जो सी है ना, दिस डिनोट्स कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एडिनाइन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ थाइमीन विल ऑलवेज बी वन. इट्स क्वाइट लॉजिकल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसने बोला है कि एडिनाइन इज इक्वल टू थाइमीन ना ऑलवेज. तो अगर एडिनाइन वन है, अगर एडिनाइन सपोज टू है, ठीक है, और थाइमिन भी इक्वल है तो टू है, तो दोनों का अगर मैं डिवाइड करूं तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, इट विल बी वन ओनली, राइट. सो दैट्स वाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एडिनाइन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ थाइमिन इज ऑलवेज वन. एंड इन अ सिमिलर फैशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गुआनाइन इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोसिन विल ऑलवेज बी वन. कौस्तव आप वाई पूछ रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू वॉट, यू आर आस्किंग अबाउट दिस कॉन्सेंट्रेशन ओनली, please specify. then a plus g is always equal to c plus t, matlab the number of purines together will always be equal to number of pyrimidines. agar dono mein mismatch hoga, agar kisi ek group ka number, agar purines
maybe they are present 70% and pyrimidines are present only 50%. तो फिर ये pairing कैसे होगी, right? ये pairing होगी नहीं ना, तो ऐसा होगा कि बहुत सारे strands of the DNA will be empty, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा pairing करने के लिए, and that will lead to a faulty DNA. Then another third point is G plus C is never equal to A plus T. Okay, now we will start with our DNA repair mechanism. ये जितना भी basics मैंने अभी आपको discuss किया आपके साथ, ये सबको समझ में आया? Everybody understood? So just give me a go ahead. Yes? Come on, I want more people to reply. Yeah. क्लास में आप हैं तो क्लास को आप ध्यान से अटेंड करिए. ओके, यू आर वेरी गुड, वेरी गुड. यू आर गिविंग 1 आवर ऑफ योर लाइफ टू दिस क्लास, 60 मिनट्स. तो उसमें जब आप दे ही रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो फिर उसको एकदम अच्छे से करिए, सो दैट यू गेट समथिंग आउट ऑफ इट. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म. डीएनए रिपेयर करना इतना ज़रूरी क्यों है? व्हाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट? सो मैकेनिज्म्स ऑफ डीएनए रिपेयर along with correct and accurate mechanism of DNA replication are extremely important or essential to maintain genetic stability. क्या बोला मैंने अभी? किसी भी organism में, suppose I am an organism, obviously I am an organism, but suppose any organism, उसकी जो prime requirement है, जो उस organism को facilitate करेगी कि वो अपने एनवायरनमेंट में फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सर्वाइव कर सके, वो उसकी जेनेटिक स्टेबिलिटी ही होगी, राइट? अनटिल एंड अनलेस द ऑर्गेनिज्म इज नॉट जेनेटिकली स्टेबल. जेनेटिक स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है? कि उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, द नंबर ऑफ डीएनए, न्यूक्लिक एसिड्स एक्सेट्रा, दे आर इन अ हेल्दी कंडीशन एंड दे आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इन अ very similar manner without any changes or mutations, right? That is genetic stability. तो उसको maintain करना is one of the prime importance for any organism on this earth. तो वो maintain करने के लिए दो mechanism बहुत ही ज़्यादा important role play करते हैं. एक तो DNA repair mechanism और दूसरा accurate DNA replication होना चाहिए. DNA replication is the process or is the method with which DNA is multiplied. Basically, DNA को produce करने का method replication है. हम लोग किसी और session में DNA replication detail में पढ़ेंगे, ठीक है? So अब body में या cells के अंदर rather, जब इतने ज़्यादा high rate पे every second the DNA of our body is getting replicated, तो ऐसा हो सकता है ना कि कहीं ना कहीं you know कुछ होकर by mistake कोई गलत base एक दूसरे के साथ pair हो जाए, right? तो उसको फटाक से रिपेयर करना, तुरंत से रिपेयर करना, इमिडिएटली रिपेयर करना इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ताकि जेनेटिक स्टेबिलिटी जो है बॉडी में मेंटेन रहे. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, म्यूटेशंस आ जाएंगे एंड म्यूटेशन आपको पता ही है, म्यूटेशन आर द प्राइमरी कॉज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ डेडली डिजीजेस लाइक कैंसर एंड दैट इज समथिंग विच इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल फॉर अ सेल टू डू, फॉर अ हेल्दी ऑर्गेनिज्म टू डू. सो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म बेसिकली आर ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज, एक तो सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक और दूसरा डबल स्ट्रैंड ब्रेक. क्या होता है सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड? एक्सक्यूज मी, सपोज दिस इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ओके, नाउ दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आई एम ड्रॉइंग इन अ लीनियर फैशन, तो इसको मैं ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दूंगी, ठीक है? बस इसी वाले डीएनए को आई हैव ड्रॉन इट इन दिस मैनर, इन अ लीनियर मैनर, मैंने उसको पकड़ के खींच लिया है. ओके, सो व्हाट विल हैपन इन द केस ऑफ सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक, क्या होगा पता है? ओनली दिस पर्टिकुलर स्ट्रैंड विल बी ब्रोकन. इन द केस ऑफ डबल स्ट्रैंड ब्रेक बोथ द स्ट्रैंड्स विल बी ब्रोकन. सो इन दीज टू केसेस दो अलग अलग तरह के रिपेयर मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, कि एक ही स्ट्रैंड में खराबी आई है या दोनों स्ट्रैंड में खराबी आई है, ठीक है? So in the case of single strand break, there are 5 major mechanisms involved, and that itself shows or that itself indicates ki koi bhi organism ke andar what is more frequent, single strand breaks are more frequent kyunki usko bachane ke liye itne sare mechanisms hain, theek hai? So kaun kaun se hain? You have direct repair, excision repair, SOS repair, mismatch repair and recombination repair.
wherein excision repair has further two types: base excision repair, ER matlab excision repair, or nucleotide excision repair. And then double strand breaks aate hain. Double strand break mein jahan pe dono strands toote hue hain, to unka mechanism hai homologous joining and non-homologous joining. So in this particular lesson we are going to understand in detail. Double strand break hum detail mein padhenge. Double strand break hum detail mein padhenge. Direct hum detail mein padhenge. Excision repair mechanism will study in detail, that is base ER and nucleotide ER. So all of these 1, 2, 3, 4 mechanisms we are going to discuss in this particular lesson. Thank you guys, thank you for appreciation. Now sabse pehle hum dekhenge direct repair, ye wala, this one. That is, first we will finish the single strand break once, aur fir main aapko double strand break at the end we will do. Okay, so let's start. डायरेक्ट रिपेयर मैकेनिज्म में क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे कुछ तो ऐसा हो रहा है जो डायरेक्टली हो रहा है. कोई ऐसा कंपाउंड है या कोई ऐसा कंपोनेंट है जो रिपेयर में डायरेक्टली फैसिलिटेट कर रहा है और बहुत ही फास्ट कर रहा है. सो व्हाट इज दैट, दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओवर हियर इज लाइट. इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ लाइट टू रिपेयर द डैमेज्ड स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए. And the process of using light to repair the DNA is called as photoreactivation. With the help of an enzyme, DNA photolyase. Photo word jahan pe bhi aapko dikhe, kahin par bhi, in any chapter, it will always denote light because photons is equal to light. So DNA photolyases are the enzymes which are the primary enzyme involved in the direct mechanism of the DNA, wherein एज द नेम सजेस्ट, ये एक ऐसा एंजाइम है जो लाइट के बगैर काम नहीं कर सकता. सो इट रिक्वायर्स लाइट. अब लाइट तो बहुत सारे उसमें रेंजेस होते हैं, यूवी लाइट है, इंफ्रारेड है, एक्स रेज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देन यू हैव द विजिबल स्पेक्ट्रम. सो विजिबल स्पेक्ट्रम की जो ब्लू लाइट है, ब्लू समथिंग विच इज यूटिलाइज बाय फोटोलाइज टू कैरी आउट द मैकेनिज्म. वाई ब्लू लाइट? अगर आपने कभी बॉटनी पढ़ी है या यू हैव स्टडीड फोटोसिंथेसिस, तो वहाँ पे भी जो प्लांट सबसे मैक्सिमम जो लाइट अब्जॉर्ब करते हैं वो ब्लू लाइट होती है, क्योंकि ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ होती है इट इज़ स्मॉलर एंड वेवलेंथ इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी. सो स्मॉलर द वेवलेंथ, हायर द एनर्जी. सो इसीलिए ब्लू लाइट को प्रेफर किया जाता है. ठीक है, अब इसके दो एग्जाम्पल्स हैं. सबसे पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट अंडरस्टैंड करेंगे. सो डायरेक्ट रिपेयर में एक्ट्स डायरेक्टली ऑन द डैमेज न्यूक्लियोटाइड्स बाय कन्वर्टिंग देम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर. नाउ व्हाट हैपेंस, यूवी रेज जो होती हैं, यूवी रेज हमेशा खतरनाक होती हैं, दे आर हार्मफुल टू द ह्यूमन बॉडी, जिस वजह से द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ ओजोन होल is you know this much importance, given so much of importance in the entire world, right? क्योंकि क्या होता है, ozone layer as a filter act करता है, जितने भी harmful UV radiations होते हैं उसको वो absorb कर लेता है. Primarily UVA and UVC are the most harmful ones, तो उसको ozone layer completely block कर लेता है. As far as UVB is concerned, so that is what is present on the earth or which we receive rather. वो इतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते, बट ऑल्सो दे आर स्टिल हार्मफुल. दैट्स वाई इट इज सेड दैट यू शुड नॉट बी यू नो इन सन इन द आफ्टरनून पीरियड, जो होता है 12 बजे से 4 बजे का जो पीरियड होता है उसमें सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ यूवी रेज होते हैं. तो उस वक्त इट इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर एनी वन टू बी आउट इन द सन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो वो यूवी रेज बेसिकली ऐसा क्या करते हैं जो लोग सबको रोकते हैं बाहर धूप में जाने से? तो वो ये काम करते हैं कि वो पिरिमिडीन डाइमर्स को फॉर्म करते हैं. सो हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर डायग्राम ओवर हियर. फॉर नाउ आप ये वाला जो एरो है उस पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ इस स्ट्रेट एरो पे ध्यान दीजिए. अब ये वाला ओवर हियर व्हाट यू कैन सी इज थाइमीन. थाइमीन इज अ टाइप ऑफ पिरिमिडीन, राइट? ये उसके अपने फॉस्फेट ग्रुप्स हैं जो है, ठीक है. सो करेक्टेड जो डीएनए है जिसको रिपेयर की कोई भी जरूरत नहीं है, उसमें द थाइमीन are not attached to one another. They are present separately from one another. तो वो DNA में base pairing properly कर पा रहे हैं.
लेकिन यूवी बी रेडिएशंस क्या करती हैं, व्हेन दे आर एक्सपोज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यूवी बी रेडिएशंस बेसिकली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ थायमीन फोटोडाइमर्स. जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक थायमीन का 5 कार्बन और दूसरे का 5 कार्बन अटैच हो गया है, और इसका 6 कार्बन और इसका 6 कार्बन ये इससे इस लाइन से यहाँ पे अटैच हो गया है. सो ये जब फोटोडाइमर्स बन जाते हैं तो एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल इज डिस्टॉर्टेड, क्योंकि बेस पेयरिंग के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड, सिंगल न्यूक्लियोटाइड चाहिए ना. जब टी सिंगल फॉर्म में अवेलेबल होगा तो उसके साथ क्या बाइंड करेगा बताइए मुझे आप. व्हाट विल बाइंड विद थायमीन, विच बेस पेयर, व्हाट विल बी द बेस पेयर, ए. वेरी गुड, वेरी गुड. So that has to be present, very good, adenine. So that has to be present in singular form, right? लेकिन अगर दोनों का डाइमर बन गया है तो थाइमिन ने तो अपने साथ ही बेस पेयर कर लिया है, तो एडिनाइन कहाँ बाइंड करेगा? तो उसका जो पेयर वाला एडिनाइन है वो तो फ्री हो जाएगा, दैट विल बी फ्री हैंगिंग इन द डीएनए स्ट्रक्चर. और यहाँ पे दो दो थाइमिन आ गए तो उसका डीएनए मॉलिक्यूल करेगा क्या दो थाइमिन का? तो ये तो हो गई गड़बड़, राइट? इसको रिपेयर करने की जरूरत है. तो अब इसको रिपेयर कौन करता है? फोटोलाइज एंजाइम ऑफ ब्लू लाइट. ओके, सो दिस ब्लू लाइट एंड फोटोलाइज एंजाइम बेसिकली एज यू कैन सी दिस एरो मार्क फॉलो होगा. अब थायमिन फोटोडाइमर विल बी कन्वर्टेड बैक टू द ओरिजिनल स्ट्रक्चर, जो यहाँ पे लिखा है कि इट विल टेक इट बैक टू इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर एंड इट विल रिजल्ट इन अ करेक्टेड फॉर्म. दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज फोटो रीएक्टिवेशन प्रोसेस, क्योंकि फोटो मतलब लाइट के यूज होके, लाइट के मदद से वो रीएक्टिवेट हो रहा है ना, जो खराब डीएनए वो रीएक्टिवेट हो रहा है. तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फोटो रीएक्टिवेशन विद द हेल्प ऑफ फोटोलाइज एंजाइम. आई हैव रिटन इट मेनी अ टाइम्स ताकि आपको याद हो जाए. इसका एक दूसरा एग्जाम्पल भी है डायरेक्ट रिपेयर का. द अनदर एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट रिपेयर इज द रिपेयर ऑफ O6 मिथाइल गुआनाइन. Now what happens in a normal DNA molecule which is not at all बीमार नहीं है, वो हेल्दी है, ऐसे DNA molecule में guanine जो है G, वो सिर्फ G form में present होना चाहिए, right? उसके 6th oxygen group पे methyl group attach नहीं होना चाहिए, तभी it will bind with cytosine, correct? But यहाँ पे क्या होता है, in the presence of alkylating agents, the guanine in the DNA structure gets converted to methyl guanine. उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच, दैट इज CH3 ग्रुप अटैच, जिसकी वजह से द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल गेट्स डिस्टॉर्टेड. सो व्हाट हैपेंस, इट टेंड्स टू पेयर विद थायमीन रादर देन साइटोसिन ड्यूरिंग रेप्लिकेशन. बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है. हेल्दी जो जी है इट विल बाइंड विद साइटोसिन, राइट? बट मिथाइल गुआनाइन बाइंड्स विद थायमीन रादर देन साइटोसिन. सो थायमीन के साथ बाइंड कर लेगा अगर, तो एडिनाइन के साथ बाइंड कौन करेगा? फिर वही प्रॉब्लम. तो इसकी रिपेयर करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो रिपेयर इज डन बाय एन एंजाइम कॉल्ड एज डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम. डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन द एंजाइम्स. एंड बिफोर यू आस्क मी कि एंजाइम्स याद रखने हैं, जरूर 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 रखने हैं, 200% रखने हैं, ठीक है? सो मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम इज इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म, जो क्या करता है, मिथाइल को ट्रांसफर करता है. जैसा उसका नाम है वैसा काम है. So it will catalyze the transfer of methyl group from O6 methyl guanine to a specific cysteine residue in the same protein. तो वो ये methyl guanine का methyl को निकाल के दूसरे protein के cysteine में add कर देता है, ताकि it will come back to its original guanine form and it will bind to cytosine. Okay. So with this we finish our first type of mechanism, that is direct mechanism, हमने खत्म किया. Now we will go to excision repair. एक्सिशन रिपेयर में क्या होता है देखते हैं. एक्सिशन रिपेयर एज द नेम सजेस्ट, एक्सिशन का क्या मतलब होता है? एक्सिशन का मतलब होता है कोई भी चीज का कट जाना, राइट? तो वैसा ही यहां पे कुछ होगा. इट इन्वॉल्व्स द एक्सिशन और रिमूवल ऑफ अ सेगमेंट ऑफ द डैमेज्ड साइट. नाउ इन द केस ऑफ डायरेक्ट रिपेयर व्हाट वाज हैपनिंग गाइस, कोई भी कटिंग नहीं हो रही थी, राइट? ऐसा कहीं पे भी मैंने आपको नहीं बताया ना कि जो थायमिन है जो खराब है उसको निकाला जा रहा है, करेक्ट थायमिन को फिर डाला जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पे हो रहा था. व्हाट वाज हैपनिंग इन डायरेक्ट रिपेयर वाज दैट ऑन साइट इट वाज गेटिंग ट्रीटेड. बट इन द केस ऑफ एक्सिशन रिपेयर, जो डैमेज स्ट्रक्चर होता है, सपोज दिस इज द डीएनए मॉलिक्यूल और यहाँ पे डैमेज हुआ है, सो इट विल बी रिमूव्ड आउट.
इसको बाहर निकाल दिया जाएगा. बाहर निकाल के क्या होगा, वो डैमेज स्ट्रक्चर को डिस्कार्ड कर देंगे. इट विल बी डिस्कार्डेड, इट विल बी एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू वेरियस मैकेनिज्म्स ऑफ एक्सक्रीशन एक्सेट्रा. उसको निकाल के अब आपको ये सोचना चाहिए कि जब मैं यहाँ से कुछ निकाल देंगे तो यहाँ पे तो गैप हो जाएगा, राइट. इफ द डैमेज्ड वन डैमेज थिंग इज रिमूव फ्रॉम हियर, सो यहाँ पे तो गैप आ जाएगा. सॉरी, इट शुड बी सिंगल स्ट्रैंड ना, इट इज अ सिंगल स्ट्रैंड मैकेनिज्म, राइट. तो यहाँ पे तो गैप आ गया, तो वो गैप को फिल करना भी जरूरी है. सो वॉट हैपन्स, पॉलीमरेज एंजाइम एट दिस साइड कम्स इन द एग्जिस्टिंग रिपेयर मैकेनिज्म. डीएनए पॉलीमरेज, रेप्लिकेशन में भी पॉलीमरेज ही इन्वॉल्व होता है. पॉलीमरेज बेसिकली सिंथेसिस का काम करते हैं. तो वो क्या करेंगे, पॉलीमरेज आएंगे और इसको और भी ज़्यादा आगे बिल्ड कर देंगे और फाइनली ये सील हो जाएगा. जो इनकरेक्ट वाला था वो बाहर निकल गया. सो ऐसे एग्जिस्टिंग रिपेयर फंक्शन करता है, फॉलोड बाय रीसिंथेसिस ऑफ द करेक्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बाय अ डीएनए पॉलीमरेज. इट इज ऑफ टू टाइप्स, बेस एग्जिस्टिंग रिपेयर एंड न्यूक्लियोटाइड एग्जिस्टिंग रिपेयर. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट ए पार्ट, दैट इज बेस एग्जिस्टिंग रिपेयर. बेस एग्जिस्टिंग रिपेयर में क्या होता है, यहाँ पे भी नाम में आपको उसकी लॉजिक ढूंढनी है. कोई भी सब्जेक्ट जो होता है गाइस, स्पेसिफिकली साइंटिफिक सब्जेक्ट्स जो होते हैं, फिजिक्स हो गया या लाइफ साइंसेस हो गया, इसमें जो टॉपिक के नाम होते हैं ना, अगर आप उसको ब्रेक कर दो और उसको ब्रेक करके आप स्टडी करने की कोशिश करो तो आपको उसका आधा मैकेनिज्म जो है समझ में आ जाएगा. एंड कभी अगर ऐसा हुआ, गॉड फॉरबिड, कि आपको कोई टॉपिक पढ़ने का टाइम नहीं मिला है, बट इन द एग्जाम यू आर गेटिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम दैट टॉपिक और आपको बाकी जो ऑप्शंस में क्वेश्चंस दिए हैं, दोज ऑप्शनल क्वेश्चंस आल्सो यू आर नॉट यू नो श्योर ऑफ. सो क्या करना है आपको, अगर आपका माइंड इस तरह से एबिलिटी उसकी होगी कि वो नाम से कुछ आइडिया लगा सकता है, तो आपका जो तुक्का होगा जिसको बोलते हैं गेस वर्क, दैट विल बी हैविंग सम काइंड ऑफ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्किंग अ करेक्ट आंसर. ठीक है, सो एज द नेम सजेस्ट ओवर हियर, यहाँ पे क्या होगा, एक्सिशन होगा, कटेगा, रिमूवल होगा, किसका, तो नाइट्रोजनस बेस का. ठीक है, सो रिमूवल ऑफ डैमेज्ड बेस यूज टू रिपेयर माइनर डैमेज. ये बात बहुत जरूरी है, बेस एक्सिशन रिपेयर जो है वो छोटे मोटे डैमेजेस के लिए यूज करती है बॉडी, माइनर डैमेज के लिए, जैसे एल्काइलेशन हो गया या डीएमाइनेशन मतलब कहीं पे अमाइनो ग्रुप होना चाहिए था बट वो नहीं है, तो रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपोजर टू म्यूटाजेनिक एजेंट्स. सो फॉर ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ माइनर डैमेजेस बेस एक्सिशन रिपेयर इज यूज्ड. द मेजर एंजाइम इन्वॉल्व्ड ओवर हियर इज डीएनए ग्लाइकोसाइलेज. नया हीरो आया, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज इनिशिएट्स द प्रोसेस बाय फॉर्मिंग ए प्यूरिनिक और ए पिरामिडिक साइड्स. ए प्यूरिनिक और ए पिरामिडिक अब क्या है भाई, तो क्या ए कहाँ पे यूज करते हैं, ए मतलब होता है, सिंस आई सेड कि यहाँ पे एक गैप फॉर्म होगा, राइट, तो वो गैप में जो बेसिस निकलेंगे वो या तो प्यूरिन्स होंगे, मतलब या तो एडिनाइन निकलेगा, गुआनाइन निकलेगा, या तो पिरिमिडिन बेसिस निकलेंगे जो खराब हो चुके होंगे, या तो थाइमिन होगा या साइटोसिन होगा. तो जब उसको वहां से निकाल दिया जाता है तो दैट साइट इज नोन एज ए प्यूरिनिक, दैट इज विदाउट प्यूरिनिक साइट, और विदाउट पिरिमिडिन साइट, दैट इज ए पिरिमिडिक साइट. तो ये डीएनए ग्लाइकोसाइलेज विल इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ बेस एक्सेशन रिपेयर. हाउ, सो लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू दिस डायग्राम. अब इसमें फोर स्टेप्स हैं यहाँ पर. सबसे पहले ये है हमारा डीएनए जो फॉल्टी हो चुका है. दिस इज द फर्स्ट स्ट्रैंड 5' to 3', सेकेंड स्ट्रैंड 3' to 5'. वाई उल्टा, बिकॉज ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में वन स्ट्रैंड इज पैरेलल एंड अदर स्ट्रैंड इज एंटी पैरेलल. ओके, अब यहाँ पे इन द सेंटर गड़बड़ हैज टेकन प्लेस. दैट मीन्स जी के साथ तो सी पेयर होना चाहिए, राइट, बट यहाँ पे आरएनए का यूरासिल पेयर हो गया है. बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है. सो अब इसको रिपेयर करना पड़ेगा. तो कौन रिपेयर करेगा, सबसे पहले जो आएगा वो आएगा यूरासिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम. व्हाट विल इट डू इज इट विल रिमूव द यूरासिल. As I said you, told you earlier, excision होगा. So uracil जो है उसको बाहर निकाल दिया, काट के बाहर कर दिया. बाहर करने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर एक gap हो गया which is denoted by a red color box over here, right? Here there is a gap. Now this particular strand needs to be broken as well. So वो strand, since the strand is in blue color, right?
तो ये ब्लू कलर जो मॉलिक्यूल है ये स्ट्रैंड का ब्रेकिंग मॉलिक्यूल है, ठीक है. सो रिमूवल ऑफ शुगर फॉस्फेट बैकबोन, जो इसका बैकबोन है ये जो स्ट्रैंड है वो निकलेगा. कौन निकालेगा इसको? ए पी एंडोन्यूक्लिएजेस. एंडोन्यूक्लिएजेस बेसिकली क्या होते हैं? ऐसे एंजाइम्स जो न्यूक्लिक एसिड के अंदर के साइड्स को ब्रेक करते हैं. जैसे ये मिडल साइट है ना, अंदर के साइड को ब्रेक कर रहा है. हेक्सोन्यूक्लिएजेस कौन से होते हैं? जो सिर्फ एंड्स के ऊपर काम करते हैं, ओनली एट द एंड्स, एक्सटीरियर साइड्स. सो ए पी एंडोन्यूक्लिएज एंड फॉस्फो डाइएस्टरेज एंजाइम. फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करना है ना, तो फॉस्फो डाइएस्टरेज एंजाइम यहाँ पे आ जाएगा, उसने बैकबोन को निकाल दिया. सो स्टेप नंबर थ्री में वॉट वी गेट इज दैट यूरासिल भी निकल चुका है और यहाँ पे एक गैप भी क्रिएट हो चुका है, एज यू कैन सी ओवर हियर. नाउ व्हाट विल हैपन? डीएनए पॉलीमरेज विल कम अलोंग विथ लाइगेज एंजाइम. लाइगेज बेसिकली क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड्स के दुनिया का फेविकॉल होता है, ठीक है. ये सब जगह पे फेविकॉल का जोड़ लगा के ज्वाइन करने का काम करता है, एकदम पक्का मजबूत जोड़. तो लाइगेज आ जाएगा. डीएनए पॉलीमरेज व्हाट विल इट डू? इट विल स्टार्ट डूइंग करेक्ट रेप्लिकेशन प्रोसीजर. डीएनए पॉलीमरेज वन, सो यहाँ पे इट विल स्टार्ट मेकिंग द स्ट्रैंड. तो जो यहाँ पे ब्रोकन स्ट्रैंड थी उसको यहाँ पे उसने बिल्ड कर दिया. जी के साथ जो करेक्ट पेयरिंग होनी चाहिए थी सी की, उसने सी की करेक्ट पेयरिंग कर दी. लाइगेज ने क्या किया? दोनों स्ट्रैंड्स को जो अलग अलग हो गए थे उसको सील कर दिया, ठीक है. सो विद दिस वी गेट द करेक्टेड फॉर्म ऑफ द डीएनए. सो दिस वॉज बेस एक्सिशन रिपेयर फॉर यू. नाउ वी विल स्टडी न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर, विच इज द अनदर टाइप ऑफ एक्सिशन रिपेयर. न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर क्या होता है? इट इज वेरी सिमिलर टू बेस एक्सिशन रिपेयर. सिमिलर है बट इट इज नॉट प्रिसीडेड बाय अ रिमूवल ऑफ डैमेज्ड बेस. मतलब यहाँ पे क्या होता है, इन द केस ऑफ बेस एक्सिशन रिपेयर वॉट इज हैपनिंग? अ सिंगल बेस इज रिमूव्ड, राइट. बट इन द केस ऑफ न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर क्या होता है? एक बड़ा चंक जो होता है उसको ही रिमूव कर लिया जाता है. सिंगल बेस पे ये काम नहीं करता. सो दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म, ओके, या सच एनालॉजीज आर नीडेड ना टू रिमेंबर, बिकॉज इतने सारे नाम हैं. लाइफ साइंसेस सब्जेक्ट पता नहीं किसने बनाया है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है तो कैसे कोई याद रखेगा, राइट. सो दैट्स वाई. सो दिस इज द वे व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम. तो मैं ऐसे ही पढ़ती थी, मेरे नोट्स के ऊपर जैसे लाइगेज है तो लाइगेज को मैं राउंड करके ऊपर लिख देती थी फेविकॉल. या जैसे मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि एंजाइम्स बेसिकली क्या होते हैं, किसी भी रिएक्शन के रिवाइटल होते हैं. रिवाइटल की गोली आप खाते हो तो आप बहुत फास्ट दौड़ते हो, वो जैसे एड में आता है, ठीक है. मैं नहीं खाती, नीदर आई एम प्रमोटिंग. तो कैटालिसिस के ऊपर, एंजाइम्स के ऊपर हैज टू राइट रिवाइटल की टैबलेट. सो लाइक दैट यू विल रिमेंबर और आपको पढ़ने में मजा आएगा, फन होगा. कोई भी ऐसा मुंह लटका कर और ऐसे कि अरे मेरे सर पे पहाड़ बोझ गिर गया है और मुझे पढ़ना पड़ रहा है, वैसी पढ़ाई किस काम की है यार, इट्स ऑफ नो यूज. यू शुड ऑलवेज बी हैप्पी इन वॉट एवर यू आर डूइंग. इफ इट इज नॉट गिविंग यू हैप्पीनेस, डोंट डू इट, जस्ट लीव इट देन एंड देन. ओके, सो दैट वॉज सम ज्ञान ओवर देयर. नाउ कमिंग बैक, सो न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर इज सिमिलर टू बेस एक्सिशन रिपेयर बट नॉट प्रिसीडेड बाय द रिमूवल ऑफ डैमेज बेस. तो ये जो होता है ये बहुत ही सीवियरली डैमेज डीएनए एरियाज पे काम करता है. जो बेस एक्सिशन रिपेयर था वो माइनर डैमेज पे वर्क करता है, राइट. वेयर एज न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर सीवियरली डैमेज डीएनए मॉलिक्यूल्स पे वर्क करेगा. सो इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ऑन ईदर साइड ऑफ द लीजन. लीजन मतलब चोट, लीजन मतलब घाव या खराबी जहाँ पे आई है वहाँ पे, ऑन द सेम स्ट्रैंड, रिजल्टिंग इन द एक्सिशन ऑफ एन ओलिगो न्यूक्लियोटाइड. ओलिगो मतलब दो से ज्यादा. तो अगर मैं आपको बताऊं डायग्राम बना के तो कैसा होगा, इफ दिस इज द स्ट्रैंड ओवर हियर एंड इफ एट दिस प्लेस, ये वाले जगह पर डैमेज हुआ है, तो जैसे आपको दिख रहा है कि मैं डैमेज सिर्फ एक ही पॉइंट पे नहीं बना रही हूँ. आई एम नॉट क्रिएटिंग द डैमेज ओनली एट वन बेस, एट मल्टीपल बेसिस. क्यों? क्योंकि सीवियर डैमेज हुआ है ना, ठीक है. तो अब वॉट विल न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर विल डू? इट विल रिमूव दिस होल स्ट्रक्चर. ये पूरा डैमेज साइट को वो निकाल देगा.
So rather than removing just one base, it will remove multiple bases, जिसको बोलते हैं oligonucleotide. So leaving a big gap which is filled, again filling or sealing का process same है. Fill कौन करेगा? DNA polymerase करेगा replication करके, और seal कौन करेगा? हमारा फेविकॉल जो हमारा ligase है. तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल विच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चंस आल्सो समटाइम्स, इज UVR सिस्टम ऑफ ईकोलाई बैक्टीरिया. ईकोलाई बैक्टीरिया के अंदर एक UVR एंजाइम का सिस्टम होता है विच इज इन्वॉल्व्ड इन न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर. नाउ दिस UVR एंजाइम हैज थ्री सब यूनिट्स, UVR A, UVR B, UVR C. ये तीनों मतलब उसके कॉम्पोनेंट्स है, A, B और C, ये तीनों को तीनों जुड़कर UVR सिस्टम बनाते हैं. ठीक है, सो वॉट हैपन्स, विच सब यूनिट बेसिकली फंक्शंस इन वॉट मैनर. सो ओनली यू हैव टू रिमेंबर इज दैट UVR A जो है वो रिकग्निशन का काम करता है. UVR A जब यहां पे मैंने B और सिर्फ इतना ही सिस्टम काटने का काम, देयर आर सर्टेन डिसऑर्डर नॉन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ जीरो डर्मा पिगमेंटोसम, क्योंकि क्या हो रहा है, ये दोनों स्ट्रैंड्स को अफेक्ट कर रहा है, राइट. सो what will happen ultimately or eventually, entire DNA or entire genetic material of the body of the cell basically will be fragmented into smaller pieces. तो फिर genetic stability कैसे maintain होगी, फिर जो organism है वो survive कैसे करेगा, right? So इसको repair करने के लिए दो mechanisms involved, there are two mechanisms, homologous end joining and non-homologous end joining. सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉन होमोलॉगस एंड जॉइनिंग कैसे होती है विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. सो ये है एग्जांपल ऑफ नॉन होमोलॉगस एंड जॉइनिंग. नाउ दिस इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, 5' 3' 3' 5'. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों स्ट्रैंड्स को प्रॉब्लम है, बोथ द स्ट्रैंड्स आर ब्रोकन कंप्लीटली. नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ नॉन होमोलॉगस. नॉन होमोलॉगस का क्या मतलब होता है, ऐसी चीजें जो सिमिलर होती हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे स्ट्रैंड्स को जोड़ा जा रहा है जो सिमिलर एक दूसरे से नहीं है, जिनका एक दूसरे से सिमिलर होना जरूरी नहीं है, तो इसलिए नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग. सो सबसे पहले द प्रोटीन्स विच आर इन्वॉल्व ओवर हियर आर कॉल्ड एज के यू फैमिली प्रोटीन्स, क्यू क्यू प्रोटीन. ठीक है, इसको आप क्यू प्रोटीन बुला लो, क्यू मतलब एम ए ही है, तो के यू प्रोटीन. सो के यू प्रोटीन 70 एंड के यू प्रोटीन 80 आर द मेजर KU proteins which are involved in non-homologous end joining. Into 2 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये दो numbers में हैं. So दो KU proteins सबसे पहले ऐसे site पे employ किए जाएंगे. What they will do is these KU proteins have a high affinity for each other. Because of that दोनों ही जहाँ पे break हुआ है strand, उन दोनों ही surface पे ये proteins जाके bind करते हैं. और since ये दोनों की affinity अपने लिए बहुत ज़्यादा है, तो जैसे आप समझ लो कि इन दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर मैग्नेट को लगा दिया है. ठीक है, सो मैग्नेट्स विल, इवन दो टू मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मतलब भावनाओं को समझ लो, तो वो एक दूसरे को खींचेंगे. तो जब वो एक दूसरे को पुल करेंगे, सो व्हाट विल हैपन, द स्ट्रैंड विल ऑल्सो बी पुल टूवर्ड्स वन अनदर, राइट. सो इन द नेक्स्ट स्टेप वेरियस प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड, 4 ऑफ देम. डीएनए पीके आ जाता है, पीके इज व्हाट, आमिर खान नहीं, पीके इज प्रोटीन काइनेज. ठीक है, डीएनए प्रोटीन काइनेज इज एम्प्लॉयड सबसे पहले. फिर दूसरा एक एंजाइम आता है जिसको बोलते हैं आर्ट्रिमिस. आर्ट्रिमिस बेसिकली एक तरह का एंडोन्यूक्लियस है जो हेक्सो न्यूक्लियस का भी फंक्शन परफॉर्म करता है, ब्रेकिंग वगैरह का काम करता है. देन वी हैव XRCC4, दिस इज ऑल्सो एंजाइम. एंड फाइनली डीएनए लाइगेज 4. सो ये सारे चारों एंजाइम मिलजुल कर इसको फाइनली रिपेयर कर देंगे. जो के यू प्रोटीन है उस वो एग्जिट यहाँ से कर लेते हैं, फ्रॉम दिस स्टेप दे विल बी एग्जिट आउट एंड यू विल गेट अ रिपेयर्ड डीएनए. सो दैट्स हाउ डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स आर रिपेयर्ड.
तो यहाँ पे द पॉइंट विच यू नीड टू नोट एंड विच यू नीड टू बी अवेयर ऑफ इज दैट डबल स्ट्रैंड ब्रेक में कहीं पे भी डीएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला मैंने आपको, डीएनए प्रोटीन काइनेज है, आर्ट्रिमिस है, XRCC4 है, डीएनए लाइगेज है, पॉलीमरेज नहीं है. कोई बता सकता है कि यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज क्यों नहीं है? व्हाई डीएनए पॉलीमरेज इज नॉट इन्वॉल्व ओवर हियर इन द केस ऑफ डबल स्ट्रैंड ब्रेक? थोड़ा सा एनालाइज करिए, थोड़ा सोचिए. डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, मतलब उसको व्हाट इट वांट्स बेसिकली, तो आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा. फिर हम होमोलॉगस एंड जॉइनिंग करेंगे, द अनदर मैकेनिज्म. एनीवन? या इट एड्स बेस पे, राइट. व्हाई आर अदर पीपल नॉट आंसरिंग? सचिन, चेतन, यकूब, अपराजिता, कौस्तव, कहाँ हैं आप लोग? अर्चना, इट नीड्स ट्रांसक्रिप्ट फर्स्ट एट बेस पेयर्स. यू आर राइट सम व्हाट पार्शली. डीएनए पॉलीमरेज बेसिकली क्या करता है ना गाइस, उसको एक स्ट्रैंड तो पूरा चाहिए होता है जो ट्रांसक्रिप्ट चाहिए. चेतन ने करेक्ट बोला, वेरी गुड, कि बेसिकली इट विल ऑलवेज एड द बेस पेयर्स ऑन वन स्ट्रैंड ओनली. अंडर द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इट यूजेस एज अ ट्रांसक्रिप्ट. तो इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, दोनों ही स्ट्रैंड्स कट गए हैं ना, तो उसको अपना ट्रांसक्रिप्ट कहाँ से मिलेगा? इसलिए यहाँ पे पॉलीमरेज इन्वॉल्व नहीं होते. वंस अगेन जब हम रेप्लिकेशन डिटेल में करेंगे तो आपको वो बेहतर समझ में आएगा जो मैंने अभी आपको बोला. तो नाउ दैट वॉज नॉन होमोलॉगस एंड जॉइनिंग. नाउ वी कम टू होमोलॉगस एंड जॉइनिंग. होमोलॉगस एंड जॉइनिंग इज वेरी सिमिलर टू रिकॉम्बिनेशन मैकेनिज्म. इट इन्वॉल्व्स अ जनरल रिकॉम्बिनेशन मैकेनिज्म दैट कैरीज आउट द ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटैक्ट डीएनए डबल हेलिक्स टू द साइट ऑफ डबल स्ट्रैंड ब्रेक. मतलब क्या करता है, सपोज ये पर्टिकुलर डीएनए स्ट्रैंड है, दिस इज द हेल्दी डीएनए स्ट्रैंड एंड दिस वन इज द डैमेज डीएनए स्ट्रैंड. सो ये डैमेज डीएनए स्ट्रैंड अगर यहाँ पे डैमेज है, दिस पर्टिकुलर स्ट्रैंड इज ब्रोकन बेसिकली, तो होमोलॉगस एंड जॉइनिंग में क्या होता है, हेल्दी वाले से बेसिस को ले लिया जाता है, जिस वजह से व्हाट हैपेंस, जो हेल्दी डीएनए है, द वन विच डजंट हैव एनी ब्रेक, उसके अंदर कुछ गैप्स आ जाते हैं. तो इसको तो रिपेयर कर लिया, राइट, दिस वन इज रिपेयर्ड, इसने डोनेट कर दिया, तो ये रिपेयर हो गया, अब ये हेल्दी हो गया, अब इसको फिर से रीफिल करने की जरूरत है, करेक्ट. सो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज विल कम एंड इट विल यूज द अनडैमेज क्रोमोजोम. बेसिकली इसके अपने क्रोमोजोम, ये तो हेल्दी था ना, तो इसके अंदर तो कोई डैमेज था ही नहीं, तो ये इसके क्रोमोजोम्स को यूज करेगा और इसको फिल कर देगा. Or ligase will come and it will join it with no genetic defect or no mutations at all. So, ye bhi healthy ho gaya aur ye damage wala bhi healthy ho gaya. So, this was homologous end joining and this was non-homologous end joining. Ab isme se jo questions bante hain section C ke liye basically wo aise bante hain ki wo aapko ek researcher bana denge, wo aapko ek scientist bana denge ki imagine a researcher is working in a lab. And that particular you are having two three test tubes and ek mein aapne ek sample dala hai, you have put another sample, now you are doing observations, but more appropriate need single strand first. Yeah, right, correct. So you will have a test tube and you will have a beaker, you're putting your samples in that, aap usko observe kar rahe ho, and suddenly you realize that while doing the experiment aapka jo DNA hai uske andar ek minor damage hua hai. So with which of the following mechanisms will you use for repair? So इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको ध्यान से ये बात को notice करने के लिए बोला था कि कौन कौन सा DNA mechanism severe damage में use होते हैं और कौन कौन से minor damage में use होते हैं. So if in the question they are straight away asking you that आपका minor damage हुआ है, and if they are also giving you in the section C question that there is no light source available in the room, you are in a डार्क रूम, तो वहां पे आपका अपने आप दिमाग चलना चाहिए कि फोटो रिएक्टिवेशन तो हो ही नहीं सकता, राइट, डायरेक्ट रिपेयर तो वहां हो ही नहीं सकता, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, बेस एक्सेशन रिपेयर. ठीक है, दैट विल बी, दैट्स हाउ द क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड.
नो नो वाई विल इट लीड टू म्यूटेशन, नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग म्यूटेशन को नहीं, वो तो म्यूटेशन को करेक्ट करेगा ना. आपको ऐसा क्यों लगा कि यहाँ म्यूटेशंस होंगे? नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग जो है, यहाँ पर द प्रोटीन्स आर कमिंग एंड वंस द वर्क इज डन द के यू प्रोटीन आर एलिमिनेटेड एंड दीज प्रोटीन्स आर गोइंग टू कम एंजाइम बेसिकली दीज फोर एंड दे आर गोइंग टू बिल्ड इट अगेन वेन करेक्ट बेस पेयरिंग कर देंगे. सो आपका रिपेयर हो गया, देर विल बी नो म्यूटेशंस. रिपेयर मैकेनिज्म्स मतलब म्यूटेशंस को बचाने का काम करना उनको ना, म्यूटेशंस को करवाना नहीं है, करेक्ट. सो विद दिस गाइज आई थिंक वी आर डन विद टुडेज सेशन. आई विल एंड द सेशन सून. उसके पहले आई विल वेट फॉर सम टाइम. अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, यू वॉन्ट मी टू रिपीट एनी थिंग और यू वॉन्ट टू से एनी थिंग, सो यू कैन गो अहेड विद दैट. बेस, एक मिनट, बेस पेयर्स को ऐड मॉर्फिन है. मुझे समझ नहीं आ रहा है यक्कू आपने क्या लिखा है. बेस पेयर्स को ऐड क्या है, व्हाट इज दैट वर्ड, MARTIN, व्हाट इज दैट, करते हैं. अच्छा, बेस पेयर्स को ऐड करते हैं. कहाँ पे? होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस में आप पूछ रहे हो, राइट? एक मिनट. हाँ करते हैं ना, बेस पेयर्स को भी ऐड करते हैं. बेसिकली जैसे डीएनए पॉलीमरेज काम करता है ना, बस वैसे ही यहाँ पे इन दिस केस डीएनए प्रोटीन काइनेसेस वर्क करते हैं. दैट्स इट. ओके, व्हाट एल्स? थैंक यू प्राचिदा. When will you start posting videos for? From today onwards, Archana. I know काफ़ी gap हो गया है in our cell structure or functions वाला course. But from today onwards, right after this session gets done, before evening, आपको उसमें नए lessons मिल जाएंगे for sure. अब वो daily basis पे continue रहेगा. No issues with that. I was occupied with a lot of work. So, we'll finish the entire unit. Don't worry about that at all. हम लोग सब कुछ कवर करेंगे, सिग्नलिंग वगैरह, राइबोसोम्स, प्रोटीन टारगेटिंग, एवरीथिंग आई विल टेक केयर ऑफ. ओके, मोस्ट वेलकम गाइस. थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास. ओके, चेतन वांट्स टू नो समथिंग मोर अबाउट SOS रिपेयर मैकेनिज्म. सो बेसिकली व्हाट विल आई डू इज SOS रिपेयर मैकेनिज्म मैं किसी और सेशन में इंक्लूड कर लूँगी. डिटेल में हम वहाँ पढ़ लेंगे, ठीक है? अभी थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट है. सो दैट्स इट गाइस. थैंक यू गाइस. इट वाज अ लवली लवली प्लेजर टीचिंग यू. आज अच्छा लगा मुझे, आप लोग आंसर कर रहे थे. तो नेक्स्ट वीक जो है, अगेन आई एम गोइंग टू कम विथ अ न्यू स्पेशल क्लास. ओके, मे बी अराउंड मंडे और ट्यूजडे. So what you have to do is you have to keep checking my profile और आपको मैं enrollment dates वगैरह timing I will be very communicative with you and मैं आपको बता दूंगी. तो आप वो enroll करके हम एक नया topic वहाँ understand करेंगे, ठीक है? So see you there. All the best guys. Have a nice day. Bye. And keep smiling while you learn, okay? Bye.